भाई हालत ख़राब हो गई है, टॉप पर आ गए हैं, नीचे दे सकते हो गुरुद्वारा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हम निकल चुके हैं लेह से और आज हम कवर करने वाले हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब संगम और शांति स्तूपा। वर्ल्ड फेमस शांति स्तूपा है और ये जापानीज़ लोगों ने बनाया है। इंडिया में जितनी फंडिंग आई थी शांति स्तूपा की वो जापान से आई थी। तो भाई लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड। तो भाई मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, फर्स्ट हमारी डेस्टिनेशन जो है वो हॉल ऑफ फेम है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम हॉल ऑफ फेम आ चुके हैं यहाँ पे लद्दाख में। यहाँ पे अभी अभी हम निकले थे होटल रूम से और अब हॉल ऑफ फेम पहुँचे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा है यहाँ पे। ये वॉर मेमोरियल है, ये शहीदों की मेमोरी में बनाया गया था और इसके जस्ट पीछे इंडियन एयरफोर्स का ट्रैक है जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और ड्राइवर भैया ने बताया इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस वक्त हम ले और संगम रोड पे एक गुरुद्वारा पड़ता है, उसका पीक पॉइंट है। दोस्त मेरा प्रेम रात में चढ़ रहा है। हमारे साथ दो बंदे और थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई चढ़ने की। हमने शर्त लगाई है अगर आधे घंटे में चढ़ जाते हैं तो मैगी फ्री उन बंदों की तरफ से। दिखा देता हूँ, ये पीक पॉइंट है, मेरे पीछे देख रहे हो ये गुरुद्वारा है। चलो भाई चढ़ के टॉप व्यू दिखाते हैं आपको फिर उसके बाद। भाई हालत ख़राब हो गई है, टॉप पर आ गए हैं, नीचे दे सकते हो गुरुद्वारा है। ठीक है, फिर चढ़ते हुए आए हैं। 440 सीढ़ी थी और आपको व्यू दिखाता हूँ इसका। जो यहाँ से व्यू आ रहा है ना तो वो वर्थ है भाई, 440 सीढ़ी चढ़ना वर्थ हो गया हमारी। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको भाई, ये व्यू देखो, मतलब वर्थ है। व्यू देख सकते हो आप, एकदम बेस्ट व्यू जिसे कहते हैं, लेह का सबसे बेस्ट व्यू यहीं आएगा। आप गुरुद्वारे आओगे, गुरुद्वारे से यहाँ से सीढ़ी आ रही है टॉप की भाई, ये पता नहीं कहाँ। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो है सिख रेजिमेंट ने बनाया है, 440 सीढ़ी है, ये पूरा सिख रेजिमेंट की जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बनाया है। व्यू देखिए आप, व्यू देखिए, जो व्यू है भाई वोर्थ है 440 सीढ़ी चढ़ना। हम दो ही ऊपर बस, कोई नहीं। भाई जो ये आप व्यू देख रहे हो, ये इंडिया का सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा दो नदियों का संगम है,
वो यहीं पर है लेह में। और यहाँ पे दो जो ब्राउन वाली आप नदी देख रहे हो वो है हमारी जंस्कार, और ग्रीन वाली देख रहे हो वो है हमारी इंदस नदी। तो हेयर वी आर वर्ल्ड फेमस शांति स्तूपा। गाइस ये है शांति स्तूपा, ये जापानीज लोगों ने बनवाया है, जापान से फंडिंग हुई है इसकी। जापान के जो लामा है उन्होंने बनवाया है। बहुत ही शांति है इधर यार, बहुत ज़्यादा। व्यू भी बहुत अच्छा है, व्यू तो वैसे लेह में हर जगह का ही बढ़िया हो रखा है। मस्ट विजिट प्लेस। तो ये हम शांति स्तूपा पे आ चुके हैं, आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ शांति स्तूपा से जो लेह सिटी का दिखता है। तो भाई पूरी लेह सिटी का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। शांति स्तूपा एंट्री। नथिंग स्पेशल, जस्ट व्यू है यहाँ पे और इसे शांति के लिए बनाया गया था। लेह सिटी के बहुत ही पास पड़ता है। आप लेह में होटल लोगे, एयरपोर्ट से आओगे होटल लोगे, उसके पास ही है। कहीं पे भी होटल ले दो, लेह सिटी से मुश्किल से 2 किलोमीटर के एरिया में पड़ जाता है। दो कहीं पे भी होटल लोगे 2-3 किलोमीटर के अंदर पड़ जाता है, आप आ सकते हो। यहाँ मस्त विजिट प्लेस है। इसके बाद चलते हैं लेह पैलेस। लेह में हमारा लेह पैलेस है अभी लास्ट। लेह पैलेस के बाद नाश्ता खाना वाना करेंगे, उसके बाद होटल से घर। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन पीस आउट।